हाय गाइस, एचएम गुरु जी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हम जनरली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? हम जनरली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं कि ये रिलेटेड होगा किसी हॉस्पिटल के बारे में, जो कि एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम डील करते हैं अपने कस्टमर या फिर अपने क्लाइंट से। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आते हैं जैसे कि हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री या फिर एविएशन इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में अपने क्लाइंट या फिर अपने कस्टमर को सबसे ज़्यादा मानते हैं, मतलब उनको एक हम भगवान की तरह मानते हैं। चाहे हमारा कस्टमर चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वही है जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और वैसे ही एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री में हम अपने पैसेंजर्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी सेफ्टी ही हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। और वैसे ही होटल इंडस्ट्री, आप किसी भी होटल में जाओ तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपकी खातिरदारी में लग जाता है। तो गाइस, इन सभी चीज़ों को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब यही है कि आप वो सब कुछ करेंगे जिसकी वजह से आपका गेस्ट या फिर आपका कस्टमर कंफर्टेबल फील करे। आपको उसके लिए एक होम अवे फ्रॉम होम वाली फीलिंग लानी पड़ेगी, ताकि जब भी वो कस्टमर या फिर आपका गेस्ट जब भी आपके शहर, सिटी या फिर आपके होटल में जब भी आए, तो सबसे पहले आके आपसे ही मिले। तो आई होप गाइस, आपको सभी को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप नेक्स्ट वीडियो किस तरह की मुझसे चाहते हो। और लास्ट में एक बात और आपको ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आपको इजीली मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी ऑन एचएम गुरुजी। तो मिलते हैं हमारी अगली नई वीडियो में।